को नवाज़ अहमद एंड यू ऑल आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए लेके आ गई हूँ बिस्व बंगला। आप लोग पीछे देख सकते हो। द वेरी फर्स्ट हैंगिंग रेस्टोरेंट इन कोलकाता। तो फ्रेंड्स, 4 बजे का टाइमिंग मैंने चूज़ किया है और अभी टाइम हो रहा है 3:40, मतलब ठीक थोड़ी देरी बाद, मतलब 4 बजे का, और मैं अंदर चली जाऊंगी तो मैं आप लोगों को पूरा अंदर का सिनेरियो दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए एंड कीप ऑन एंजॉयिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं अंदर नहीं जाती हूँ ना, मतलब 4 बजे का तब अंदर जाऊँगी, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ का भी पूरा सिनेरियो दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। मेरे सामने में बिस्व बंगला गेट है और ये न्यू टाउन एरिया है और यहाँ पे ऑन कंस्ट्रक्शन है बहुत सारा चीज़, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पे कोई कैमरा का काम चल रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को वहाँ लेकर चलती हूँ और अच्छे से दिखाती हूँ। कैफे कांटे भी है यहाँ पे, दिखा दो वो वाला कैफे कांटे। कुछ भी लेकर दोस्तों आप ले सकते हो, और जब तक कि आप वेट में हो, अंदर नहीं जा रहे हो, तब आप यहाँ पर लेकर कुछ खा भी सकते हो। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है, आप लोग देख लो अच्छे से। I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on. कॉपी, और वहां से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा, दैट इज द मेन टिकट काउंटर। सो फ्रेंड्स, अहमद गए हैं हार्ड कॉपी लेने के लिए, एज यू ऑल कुड सी। तो फ्रेंड्स, 4 बज चुका है और मैं जा रही हूँ अंदर, और अंदर का भी पूरा सिनेरियो आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा सुना है दोस्तों मैंने कि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगता है कोलकाता देखने में, तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं बिस्व बंगला जा रही हूँ। तो मैं ना दोस्तों चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ एक्सपीरियंस कर लो। तो चलिए चलते हैं अंदर बिस्व बंगला गेट के अंदर। और ना दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ फोटोग्राफी कराने के लिए भी आते हैं। वो देखिए पीछे एक चल रहा है, शायद इंस्टा के लिए रील्स बन रहा है या फिर उसका कोई शूटिंग चल रहा है। वो डांस करके परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे। मास्क इज मस्ट दोस्तों, इसलिए मैं जा रही हूँ मास्क लगाने के लिए। सो दिस इज़ द मेन एंट्रांस, यहाँ से आपको एंट्री लेना है। अगर बैग कोई ला रहे हो तो यहाँ पे आपको जमा देना होगा एंड वहाँ पे चेक कराना होगा टिकट। आप देख लो, हम लोग चेक करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लिफ्ट के सहारे आप लोगों को ऊपर जाना है। देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं लिफ्ट के। कौन सा फ्लोर है? 3rd फ्लोर जाना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और जाकर देखते हैं कि कैसा लगता है अपना कोलकाता बिस्व बंगला गेट से। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. हम लोग आ चुके हैं बिस्व बंगला गेट में, आप लोग देख सकते हो, और मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से, मतलब पीछे की कैमरे से पूरा सिनेरियो दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए एंड कीप ऑन एंजॉयिंग माय वीडियो। हमारी दीदी एंड लुक एट माय कोलकाता, इजंट इट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लो ऊपर से, दिन का टाइम है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल पूरा डेकोरेट किया हुआ है।
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on that is a selfie zone. Or Ahmed camera lekar selfie le rahe hain apna. फ्रेंड्स ऐसे क्योट्स आपको जगह जगह लिखे हुए भी दिखेंगे. देखिए वहाँ पे स्वामी विवेकानंदा जी, और ये देखिए यहाँ पे सरोजनी नायडू, राजा राम मोहन रॉय एंड हिज क्योट्स. आगे की तरफ चलती हूँ दोस्तों और देखती हूँ स्वामी रामकृष्णा, ये देखिए, एंड अवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, ये देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, एंड हियर दोस्तों मदर टेरेसा. तो फ्रेंड्स मैं आगे की तरफ जा रही हूँ और देखती हूँ कि आगे की तरफ क्या है. ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत नजारा. आई एम enjoying फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो देखकर अच्छा लग रहा हो. एंड दोस्तों ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. पहचान तो रहे होंगे दोस्तों हमारी कोलकाता की शान है सब. एंड एकदम मेरे सामने हिटको भवन भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स मुझे यहाँ आकर. सही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसका मतलब मैंने एकदम करेक्ट दिन चूज़ किया है. तो अहमद मुझे कह रहे थे कि मुझे संडे को आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नहीं, अच्छा किया ना दोस्तों कि मैंने आज का दिन चूज़ किया. एंड टुडे इज़ ट्यूज़डे एंड इट्स अ स्पेशल डे, आज मेरा बर्थडे है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ. तो ठीक है, और आगे भी जो जो मुझे नज़र आएगा ना दोस्तों, तो मैं आप लोगों को वो सारा चीज़ दिखाऊँगी. तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे कोलकाता के जितने भी शान हैं, मतलब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सरोजनी नायडू, और भी बहुत सारे दोस्तों जितने भी महान हस्तियां हैं ना कोलकाता के, उन लोगों का पोर्ट्रेट यहाँ पे अच्छे से पेंट किया गया है. आप लोग देख लो, सौरभ गांगुली जी, और भी बहुत सारा वहाँ पर है दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में दिखाया है. तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लग गया है भूख, तो आप लोग वहाँ से कुछ खरीद भी सकते हो, और अगर आप लोगों को लग गया है कोल्ड ड्रिंक की चाहत, तो वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो. ये जो पीछे देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इसमें देखिए बिस्व बंगला पूरा ऊपर लिखा हुआ है. ऐसे भी ना दोस्तों, आज मेरा कोई बहुत ज़्यादा चहल पहल वाला जगह जाने का दिल नहीं था, तो सही डिसीजन है मेरा यहाँ आने का. सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे लंच एंड डिनर का भी इंतज़ाम होता है, लेकिन आज है 9 मार्च, और मैंने bookmyshow.com में देख लिया था कि यहाँ पर कोई लंच एंड डिनर का आज अरेंजमेंट नहीं है. तो यहाँ का टाइमिंग दो बार दिखा रहा है, मतलब 4 बजे का और 5 बजे का टाइमिंग है. एंड एज़ यू ऑल नो कि 4 और 5 बजे कोई लंच या डिनर का टाइम तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले ही से लंच कर लिया है. तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ पर लंच किया है, और ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड, तो आप लोग अच्छे से देख लो. प्लस अगर आप लोगों को कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम चाहिए, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है. चलिए दिखाती हूँ कि मैंने लंच कहाँ किया है.
तो फ्रेंड्स ये है गोल्डन बोल जो हमारे घर के एकदम नज़दीक है, और मुझे जब भी चाइनीज़ खाना होता है तो मैं इस वाले रेस्टोरेंट को प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई लव चाइनीज़ एज यू ऑल नो। तो आफ्टर हैविंग माई लंच मैं निकलूँगी फिर बिस्को बंगला गेट के लिए, तो फिर वहाँ पर जाकर आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को डायरेक्ट आज दिखाने के लिए नहीं निकली थी बिस्को बंगला गेट, लेकिन समहाउ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो थोड़ा देर में अभी आप लोग मेरे साथ बने रहिए एंड कीप ऑन एंजॉइंग माई वीडियो। सो दिस इज़ द चिकन फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन बॉल्स। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा फूड आ चुका है और आप लोग देख सकते हो आई जस्ट लव चाइनीज लाइक एनीथिंग। दिस चाइनीज फ्राइड राइस एंड वेज मंचूरियन आर माय फेवरेट डिश। हेलो क्या है? सो माय लवलीज माय व्यूअर्स, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कहाँ किया है अपना लंच आज का। तो चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं बिस्को बंगला गेट की तरफ और वहाँ का दिखाते हैं आपको नज़ारा। तो फ्रेंड्स एज यू ऑल नो कि हम लोग तो लंच कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर बात हो रही है कोलकाता की शान की, वेस्ट बंगाल के शान की, तो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर कैसे पीछे रह सकता है। तो आप लोग देख लो रॉयल बंगाल टाइगर। तो फ्रेंड्स मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है और आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग तो लंच कर ही चुके हैं अपना। तो फ्रेंड्स हम लोग ना कुछ लिए नहीं है खाने का क्योंकि मेरा पेट जो है ना पूरा एकदम फुल भरा हुआ है, और यहाँ पे फ़िश कटलेट, चिकन कटलेट एंड चिकन पफ, मटन पफ, यही सारा चीज़ मिल रहा है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये आपका कोका कोला एंड लिमका है, और अगर आप लेना चाहते हो कॉफ़ी तो वो भी अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। मतलब हल्का फुल्का आप नाश्ता करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। टाइमिंग यहाँ का 4 और 5 है, मैंने आप लोगों को पहले ही मेंशन कर दिया है। और देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है ना ऊपर से, बहुत ही ज़्यादा दिलकश, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ दोस्तों, आप लोग खुद देख लो, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से अच्छे से दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे द बिस्को बंगला गेट में लंच एंड डिनर के लिए भी अरेंजमेंट होता है बफेट सिस्टम में। मिनिमम पर पर्सन का 500 रुपीज़ लगता है, लेकिन समहाउ आज वो वाला सिस्टम था नहीं। 4 या 5 बजे का टाइमिंग दिखा रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने 4 बजे वाला चूज़ किया और लंच कहीं और किया है। सो फ्रेंड्स यू विल गेट 45 मिनट्स में आपको यहाँ पर रहना है और अच्छे से एक्सप्लोर करना है। एंड आई थिंक सो 45 मिनट्स आर इनफ यार, आपको जस्ट घूमना ही तो है, बस ऐसे राउंड चक्कर काट लो और कोलकाता का एक से बढ़कर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अहमद कैसा लग रहा है? अहमद कह रहे हैं कि उनको ज़बरदस्त लग रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल पूरा ऐसे ही पोर्ट्रेट ना दोस्तों, ऑल राउंड आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बिस्को बंगला गेट का वहाँ पे पूरा पिक्चर बना हुआ है, उसके पीछे मैंने देखा द रॉयल बंगाल टाइगर का बना हुआ है। मतलब पूरा ऐसे ही गोल आपको अच्छा लगेगा, घूम लो एक बार दोस्तों। अगर आप कोलकाता के निवासी हो तो आपको ज़रूर एक बार बिस्को बंगला गेट आना चाहिए। प्लस अगर आप बाहर से भी आ रहे हो कोलकाता फर्स्ट टाइम घूमने के लिए, तो यहाँ पर आकर एक बार आप ज़रूर एक्सप्लोर करो, क्योंकि यहाँ से बैठकर ऊपर से कोलकाता को देखने का जो नज़ारा है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है दोस्तों। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Oh.
देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है कि दिस इज माय कोलकाता, इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इतना ज्यादा खूबसूरत नजारा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं दोस्तों, सुपर एक्सपीरियंस दोस्तों, सुपर एक्सपीरियंस। एंड सनसेट का टाइम है, सनसेट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट विस्गो बंगला गेट, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग चूज़ करते हो ना 4 या 5 वाला, तो आई विल रेफर यू कि आप लोग 4 बजे वाला टाइम में आओ, चूज़ करो 4 बजे वाला टाइम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग देख लो दोस्तों। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि मेरा 45 मिनट जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये एरिया पूरा न्यू टाउन का है और बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून दोस्तों, आप लोग देख लो। यहाँ पे आके आप लोग फोटो शूट भी करवा सकते हो, प्लस ये विस्गो बंगला गेट आप लोगों को सामने में देखने को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा विस्गो बंगला वाला व्लॉग जो मैंने आप लोगों को पूरा अंदर का अच्छे से घुमाया और दिखाया यहाँ का। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को मेरा अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।